क्या यहाँ के एनिमल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं क्या? राइनो और क्या देखने को मिलेगा? बफेलो भी अटैक करेगा। अटैक करेगा तो पहले बोल दिया आपने, अटैक ही करेगा। तो गाइस ऐसा है कि कल मैं आ गया था शिव सागर से गुवाहाटी रात में, पूरे दिन हमने राइड करी और उसके बाद यहाँ पहुँचा मैं रात तक, और आज का दिन और मैं रुकने वाला हूँ गुवाहाटी में और उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं हूँ गुवाहाटी से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर। इस जगह का नाम है पोवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर आप गुवाहाटी में हैं तो एक बहुत छोटी सी एक स्मॉल ट्रिप हो सकती है पोवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक की। बहुत ही खूबसूरत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। पोवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस जगह पर पड़ता है इसे बोलते हैं मोरिंगरोंग डिस्ट्रिक्ट, आसाम में आता है ये। बाकी जब गुवाहाटी से आप यहाँ तक आएंगे तो आपको रास्ते में ब्रह्मपुत्र रिवर दिखेगी, ब्रिजेस दिखेंगे, विलेज दिखेंगे, तो बहुत सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए आप यहाँ पर आते हो। तो गुवाहाटी में जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बन गए हमारे। ये हैं विपिन भाई और अमन। Hi guys, hi again. From Delhi. और भाई आपका नाम? विश्वेश्वर। विश्वेश्वर। Hey guys. तो हम 3-4 लोग आए हैं यहाँ पर और इसका सही समय आने का सुबह अर्ली मॉर्निंग का है, हमें थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि हम थोड़ा आराम से ही निकले अपने हॉस्टल से। आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए, मौसम भी अच्छा रहता है सुबह सुबह, तो बहुत सारे एनिमल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरे चांसेस हैं कि राइनो तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पर भी। अभी अंदर चलकर देखते हैं राइनो हमें दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है तो कितनी दूर से दिखता है, क्या बोलते हैं? चलो 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 चलो। सो गाइस शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड बाकी बातें हम करेंगे सफारी करते करते। आ जाओ डॉल्फिन तो 2000 है भाई, इस बोट सफारी जिसपे डॉल्फिन व्यू पॉइंट है, डॉल्फिन्स हैं यहाँ पे। ओके, और दूसरी अपनी वो वाली जीप सफारी 1700 कह रहे हैं। 1700 का सर पूरा जीप है? जीप, पूरा जीप। और उसमें 4 लोग जा सकते हैं? कितने घंटे का राइड होता है ये? 1 घंटे का। 1 घंटे का ड्राइव है सफारी। चलो सर, नहीं है मेरे पास। इससे पूछो अप्रैल के बाद क्या आता है, बता अप्रैल के बाद क्या आता है? हाँ भैया, सिक्योरिटी क्यों, साथ में जाएंगे? काजीरंगा में तो नहीं बैठाया था क्या? यहाँ के एनिमल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं क्या? राइनो और क्या देखने को मिलेगा? बफेलो भी अटैक करेगा। अटैक करेगा तो पहले बोल दिया आपने, अटैक ही करेगा, इसीलिए सिक्योरिटी लेना पड़ेगा। इधर क्या काजीरंगा से ज्यादा एग्रेसिव है क्या एनिमल? नहीं, ऐसा कोई तो बहुत बड़ा जंगल है ना। अच्छा, ये छोटा है, ये छोटा। तो यहाँ पर जल्दी सामने आ जाते होंगे। यहाँ पे बहुत जगह दिख रहे हैं, पता है? ये तो अलग ही फील है। 4 दिन पहले हम लोग काजीरंगा सफारी करके आए हैं और अभी ये वाली सफारी कर रहे हैं पोवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काजीरंगा से वाकई में बहुत अलग ही है, सब कुछ कॉम्पैक्ट है ना, इतना पास पास दिख रहा है। एंड बाय द वे हम लोग ये खाते पीते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कचरा हम यहीं पे फेंक देंगे, ये कचरा हम अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो कोई ऐसा समझ सोचना कि खाते पीते जा रहे हैं जंगल को गंदा करते हुए। मैं तो पास दिखाऊंगा लेकिन हल्ला मत करिए, आराम से साइलेंट करके कटी ले ले। पास से दिखाएंगे? हां पास दिखा, बिल्कुल बिल्कुल। दादा मजे ले रहे हैं। इससे क्या होता है, ये आवाज से, ये आवाज से क्या होता है, पिछड़ जाएगा भाई। ये वाला एक्सपीरियंस बहुत सही था। काजीरंगा में भी हमने जूम लेंस से कैप्चर किए थे कुछ पिक्चर्स, पर काफ़ी दूर था वो, बट यहाँ से इतने पास से दिखाई दे रहा भाई राइनो।
यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो काजीरंगा से काफ़ी अलग है। यहाँ के जो जंगल हैं आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े खुले मैदान नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे तो झाड़ियाँ, जंगल, पेड़ बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जानवर छुपे हुए दिख ही जाते हैं। अभी हम लोग फॉरेस्ट के थोड़ा और अंदर तक जा रहे हैं, शायद हमें कुछ और जंगली जानवर दिख जाएँ थोड़ा करीब से। अच्छा, जंगली सुअर है वो। बच्चे भी हैं साथ में। हाँ, एक तो आपने बहुत जबर दिखाया है, वो अंदर घुसा के जो दिखाया था, एक कोई और मस्त वाला दिखा दो, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। पवित्रा को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है लग रहा है, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। वहाँ पे जाना पड़ेगा यार, देखो बोरा। अच्छा हाँ, दिखा 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 भाई, मस्त घूम रहा है। एक और दिखा दादा, वो घर है कि वॉच टावर है? नहीं नहीं, वो कैंप है। कैंप है? फॉरेस्ट का कैंप। अच्छा, फॉरेस्ट कैंप है। तो ये समझ नहीं आता, ये इतने बड़े होते हैं सिर्फ घास खाते हैं भाई। हाँ, सिर्फ घास खा खा के देखो चमड़ी इतनी मोटी हो गई इनकी। कैसा लगा? अरे बहुत मजा आ गया। मजा आ गया भाई, जो एक लास्ट एक वो टच जिसे कहते हैं ना, जो रह गया था, जो रह गया था, कुछ रह गया था, ऐसा था कि कुछ रह गया काजीरंगा। काजीरंगा पहुंच के थोड़ी सी चीज रह गई यहां पे। हां, पवित्रा रॉक्स, पवित्रा रॉक्स हाईली रिकमेंड भाई, हाईली रिकमेंडेड। गुवाहाटी आओ तो यहां पर जरूर आना, मात्र 40 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा यहाँ पर आकर। जिधर नजर जाएगी उधर दिख जाएंगे। वो देखो राइट हैंड साइड पे एक और भाई साहब हाथी। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि काजीरंगा जाना बेकार है, ये है कि यहाँ पर आपको जल्दी दिख जाता है। मतलब एक घंटे की ड्राइव के अंदर आप आराम से 2-3 बड़े बड़े राइनो और ऐसे स्पॉट्स देख लोगे जहाँ आपको जानवर एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत करीब से। पर ठीक है ना, आसाम आके दो दो सफारी कर लिया, और क्या चाहिए। वैसे ही लास्ट डे आसाम का। हाँ, और ये एकदम सडन प्लान बन गया, किसी का कोई फिक्स नहीं था, ना रात में प्लानिंग कर दी, सुबह सुबह प्लान बना, हॉस्टल से हम लोग निकल कर आ गए, परफेक्ट टाइमिंग हमारे विपिन भाई को। हाँ, इसका श्रेय जाता है, इसका श्रेय जाता है, इसका श्रेय जाता है विपिन को, क्योंकि विपिन एक्चुअली मुंबई से है लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं आसाम में, गुवाहाटी में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो इनको बहुत अच्छे से आइडिया है यहाँ का। आपको कैसा लगा भाई? Oh, it was amazing. Kaziranga का प्लान था बट नहीं हो पाया ना, इनकी भी प्यास बुझ गई। राइनो वाली, राइनो वाली, yes. चलो अभी सफारी अपनी हो गई पूरी, यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। रुक जाएगा, आप जा रहे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर हर महादेव हो रहा, हर हर महादेव। चलो थैंक यू दादा, चलो चलो। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकल कर अभी हम आ गए हैं कामरूप मेट्रो, इस जगह का नाम है। तो यहाँ पर हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, फिर यहाँ से चलते हैं। एक सनसेट पॉइंट है, यहाँ के लोकल लोगों से बात करी तो हमें पता चला कि वहाँ का सनसेट बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा टाइम है अभी सनसेट होने में, इससे कुछ खा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। ये पैटीज है क्या? नहीं, पोक है। पोक है? ये भी पोक है। ये भी पोक है? ये अच्छा। अरे बाबा, सब पोक ही पोक है। वेज में कुछ है? मीठा पोक है। खिला दो, खिला दो, दो मीठा पाव दे दो, चार कॉफी। नॉनवेज है आज, महाशिवरात्रि है ना, तो ये तो तुम बोले मीठा है, मेरे को लगा मीठा है ये। अरे वो कोकोनट है, कोकोनट का है, कोकोनट है ना, नॉनवेज नहीं है ना, कोक नहीं है, चिकन नहीं है, पक्का ना? पक्का एकदम पक्का, भोलेनाथ आज शिवरात्रि है बाबा, हर हर महादेव हो जाएगा, सोच समझ के खाना पड़ता है इधर। कोकोनट अंदर, कच्चा बादाम है अंदर। क्या चैनल देखो, ब्लॉग ऑन विद प्रशांत। सब्सक्राइब तो बहुत है आपका, 1.2 मिलियन। वैसे आसाम में ऐसी बहुत सी हिडन प्लेसेस हैं जो अल्टीमेट सीनिक ब्यूटी से भरी हुई हैं। इस पिक्चर को देखकर हम लोग आए थे और ये स्पॉट ढूंढ लिया हमने। वो देख, है ये वही स्पॉट, ये रहा, है ये वही स्पॉट, पास से दिखाता हूँ, आ जाओ। सिर्फ एक बांस के ऊपर बना हुआ पूरा ब्रिज, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आसाम में भाई ये सब, भाई हिडन प्लेसेस बहुत है आसाम में। और क्योंकि आज आसाम ट्रिप का मेरा लास्ट डे है,
तो जाते जाते एक बार फिर से यहाँ के ब्यूटीफुल सनसेट को देखना तो बनता है। तो एक्सप्लोर करते करते हम ऐसे ही एक अनएक्सप्लोर्ड अनसीन स्पॉट पर पहुंच गए। क्या लोकेशन है बाबा। इस विलेज का नाम है देवखाल, जो कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इंटरनेट पर इस जगह के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर कभी आप पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं तो यहाँ के सनसेट को एंजॉय करके जरूर जाना। एंड बिलीव मी, इट्स टोटली वर्थ। मजा आया? हाँ, मजा आ गया। हाँ। क्या था ये जोड़ रहा था? ड्रोन। पता है तुमको? हाँ। अरे वाह, कैसा लगा? मजा लगा। हाँ। अरे फिर इसी बात पे हो जाए। शाबाश, चलो बाय। आसाम की हमारी जर्नी फिलहाल के लिए यहीं पे रुक रही है, ख़त्म हो रही है ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ बचा है अभी जिसे हम अगले विजिट में एक्सप्लोर करेंगे। एंड आई होप ये सीरीज़ आप में से बहुत से लोगों को यूज़फुल लगी होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और यहाँ पर आना भी चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने घर पर बैठकर एक कहानी की तरह इन वीडियोज़ को देखा होगा, अपने टीवी पे, लैपटॉप पे और अपने फ़ोन की स्क्रीन्स पर, और शायद खुद को इस ट्रिप का हिस्सा मानकर मेरे साथ इस जर्नी को वर्चुअली एक्सपीरियंस भी किया होगा। बट बिलीव मी, इस ट्रिप के बाद नॉर्थ ईस्ट के साथ मेरा कनेक्शन दिन पे दिन और गहरा होता जा रहा है। जब मैं 2020 में यहाँ पर आया था तब इस जगह से बिल्कुल अनजान था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट मेरा दूसरा घर है, सच में। और मैं जब भी यहाँ पर आऊँगा यहाँ के लोगों से मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो शायद जब तक आप लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे तब तक मैं 7 सिस्टर स्टेट्स के एक नए स्टेट को एक्सप्लोर कर रहा होऊंगा आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि एक नया कल्चर, कुछ नई कहानियाँ और नए दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरा सपोर्ट करो, लाल वाला बटन दबा कर जाओ। ठीक है, सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ये है सिलीगुड़ी का स्टेशन, यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है दार्जिलिंग के लिए। अभी हम जहाँ पर आए हैं ये जगह है लामा हट्टा इको गार्डन। तो बेसिकली यहाँ पर है टी गार्डन्स और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, लेकिन फॉग की वजह से मतलब अभी कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आए हैं तो दार्जिलिंग की प्रीमियम क्वालिटी चाय पिए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। चाय के साथ अगर व्यू मिल जाए तो फिर और इससे बेटर क्या हो सकता है, वो भी दार्जिलिंग में बैठ के। ये है भाई प्रशांत, पहचान लिया होगा इसको तो। प्रशांत ने मुझको बुलाया यहाँ पर वेस्ट सिक्किम में पेलिंग में। भाई ये है जन्नत वाली जगह, आते ऐसा फील आ रहा है। आगे आगे देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। ये है एशिया का सेकेंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, ये है स्काई वॉक, और पीछे बुद्धा की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति लगी है, बहुत बड़ा स्कल्पचर है। ये संघक चोलिंग मॉनेस्ट्री जो कि सिक्किम की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज में से एक है। क्या बोलते हैं इसको, फाले? फाले। ये जो है ये लोकल ड्रिंक है यहाँ का, टेस्टी बहुत है। अब इसका बाद में इफेक्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, किसी को नहीं पता यहाँ के रास्तों के बारे में, तो अगर अकेले आओगे तो भटकने के चांसेस 99.9% है, तो गाइड बहुत जरूरी है। गाइड तो बहुत जरूरी है, इधर पे वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। ये है रानी दुंगा, भोलेनाथ का इतना बड़ा त्रिशूल, अद्भुत जगह है, बहुत खूबसूरत है।